नए चैनल एंड ग्लोरी में और आज के शो में हम आप लोगों को बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फाबेट की वैल्यू। तो अगर आप लोगों को अल्फाबेट की वैल्यू नहीं याद रहेगी तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को अल्फाबेट की वैल्यू याद रहेगी तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू लाइफ में कभी भी आप लोगों को अल्फाबेट की वैल्यू भूल ही नहीं सकती है, और ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लुक करिएगा लाइक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। तो अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो पहले अगर हम 3 लेटर को देख लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, तो इन तीनों को तो आप इजी याद कर सकते हैं क्योंकि ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आपके 3 लेटर तो ऐसे ही कम हो गए। अब हमें कितना लेटर याद करना है, 23 लेटर सिर्फ याद करना है, और यहाँ पर हमारा लास्ट के 2 लेटर और कम हो गए, वाई एंड जेड। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा वाई की वैल्यू तो आप बता देंगे 25, अगर पूछेगा जेड की वैल्यू तो आप बता सकते हैं 26। तो यहाँ पर हमारे 5 लेटर ऐसे ही कम हो गए, तो हमारे कितने लेटर बचे, 21। अब हमें सिर्फ 21 लेटर याद करना है, तो इसको हम अपने ट्रिक से याद करते हैं। तो आइए अब हम डी से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो मैच स्टिक होती है इससे डी को बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, आइए बताते हैं। वन मैच स्टिक, फिर टू मैच स्टिक, थ्री मैच स्टिक, फोर मैच स्टिक। अब हमारी ये पूरी मैच स्टिक कितनी है, 4 मैच स्टिक है, तो मीन्स डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखिए जो ई है, तो ई हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम इधर का पोर्शन ओपन कर दें और इधर हम क्लोज कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, मीन्स ई कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। अब यहाँ पर जो एफ है, तो एफ कैसे हम बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम इसका नीचे वाला पोर्शन क्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, मीन्स एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब देखिए जो जी है, जी को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो अगर हम इसको भूल जाएंगे, सिर्फ हम इसे देखेंगे तो हमको कुछ 7 की तरह दिखेगा, तो मीन्स जी की वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी। अब देखिए जो एच है, हम एच को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम इन दोनों को पोर्शन को क्लोज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, मीन्स एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए जो आई है, हम आई को कर्सिव राइटिंग में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये जो कर्सिव राइटिंग आप देख रहे हैं, ये आपको 9 दिख रहा है, मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी, 9 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो जे है, आप लोगों को जे कैसा दिख रहा है, हॉकी की तरह दिख रहा है, जे हॉकी की तरह दिख रहा है। अब जो हॉकी होता है इसके साथ हमेशा बॉल जरूर होती है, जब बॉल होती है तो मीन्स इसी से क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, मीन्स जे की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो के है, तो के में यहाँ पर 1 लाइन होती है, तो पहले हम 1 लाइन को लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी टेढ़ी लाइन है इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, मीन्स सीधी लाइन कर देते हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब देखिए जो एल है, हम एल को कैसे बनाते हैं, एल को हम ऐसे बनाते हैं। तो अगर हम इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दें तो यह हम लोग क्या दिखेगा, 2 की तरह दिखेगा, तो हम इसके आगे 1 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 तो होगा नहीं, क्योंकि जो बी की वैल्यू होती है वो 2
होती है, इसलिए आप नंबर बढ़ा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आइए हम M की वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए टोटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26 का हाफ कितना होता है, 13 होता है, तो M की वैल्यू हो जाएगी 13। या फिर जो L की वैल्यू है इसे आप इस तरह से आप कर सकते हैं कि M के पहले आता है L, तो L की वैल्यू हो जाएगी 12, फिर M के बाद आता है N, तो N की वैल्यू हो जाएगी 14, और जो M की वैल्यू है M, इसको आप एक और तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। अगर हम M को क्लॉकवाइज घुमा दें, मींस इस तरह से घुमा दें, तो क्या बन जाएगा, 3, हमें कुछ 3 टाइप का दिखेगा, तो ये 3 बन जाएगा। अब हम इसके आगे 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 13, क्योंकि हमें पता है कि C की वैल्यू 3 होती है, तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा देंगे, तो M की वैल्यू हो जाएगी 13। अब जो N की वैल्यू है इसे हम कैसे याद करेंगे, तो हम N को किस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर दें तो ये हमको रोमन नंबर के 4 की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि हम रोमन नंबर में 4 इस तरह बनाते हैं, तो हमारी N की वैल्यू हो जाएगी 14, क्योंकि हमें पता है कि हमारी N की वैल्यू 4 तो होगी नहीं, क्योंकि D की वैल्यू 4 होती है। अब आइए हम O की वैल्यू याद करते हैं, तो O4 क्या होता है, ओपेरा होता है, तो ओपेरा में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, अब इसके आगे 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15, तो O की वैल्यू हो जाएगी 15। तो देखिए जो P है, अगर हम P को उल्टा कर देंगे तो ये हमको ऐसे दिखेगा, अब हम इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो मींस P की वैल्यू हो जाएगी 16। अब देखिए जो Q है, हम Q को इस तरह से बनाते हैं, तो अगर हम इस सर्कल को भूल जाएंगे तो हमको यहाँ पर 7 दिखेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 7, अब इसके आगे हम 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 17, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 17। अब देखिए जो R है, हम R को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और अगर हम इसी को पूरा कर दें तो ये 8 हमको दिखेगा, अब हम इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18, R की वैल्यू हो जाएगी 18। अब देखिए जो S है, हम S को ऐसे लिखते हैं, अगर हम इधर का माउथ क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा 9, फिर हम इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 19, मींस S की वैल्यू हो जाएगी 19। अब देखिए जो T है, तो T फॉर क्या होता है, 20, तो T की वैल्यू हो जाएगी 20। अब देखिए जो U है, तो हम U को स्मॉल लेटर में कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पोर्शन है ये हमको 2 की तरह दिख रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर दें तो यहाँ हमको 1 दिखेगा, तो हम 2 के आगे 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 21, मीन्स U की वैल्यू हो जाएगी 21। अब देखिए हम V की वैल्यू कैसे याद करेंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई भी जीतता है तो वो ऐसे दिखाता है, 2 फिंगर दिखाता है, तो 2 फिंगर मतलब क्या बनता है, V बन जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और फिर आगे 2 बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा 22, मींस V की वैल्यू हो जाएगी 22। अब देखिए जो W है, अगर हम इसी W को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये हमको कुछ 3 की तरह दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा M की वैल्यू हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, तो V की W की वैल्यू हो जाएगी 23। अब देखिए जो X है, हम X की वैल्यू कैसे याद करेंगे, देखिए हम X ऐसे बनाते हैं, तुम्हें से चारों दिशाओं को सूचित करता है, चारों दिशाओं को सूचित करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और इसके आगे 2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 24, मींस X की वैल्यू हो जाएगी 24। तो फ्रेंड्स 90% आप लोगों को तो अल्फाबेट की वैल्यू याद ही हो गई होगी, और हाँ आप लोगों को घर पे जरूर एक दो बार प्रैक्टिस करिए।
जाएगा जिससे आप लोगों को ये परमानेंट याद हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश की बुक खोलेंगे तो कहीं पर आपको दिखेगा एस, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ एस की वैल्यू होती है 19। फिर आप कहीं पर देखेंगे डब्ल्यू तो कहेंगे डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23। कहीं पर देखेंगे एम तो कहेंगे एम की वैल्यू होती है 13। फिर कहीं पर देखेंगे क्यू तो कहेंगे कि क्यू की वैल्यू होती है 17। कहीं पर देखेंगे डी तो कहेंगे कि डी की वैल्यू होती है 4। कहीं पर देखेंगे x तो कहेंगे कि x की वैल्यू होती है 24। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको ये जो अल्फाबेट की वैल्यू है ये रिवाइज भी होती रहेगी और कभी भी नहीं भूलेगी। अब आइए हम इसे एक क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं जिससे आप लोगों का और रिवाइज हो जाएगा। तो आइए अपना क्वेश्चन देखते हैं। कैट को 24, सैड को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत से टाइप्स होते हैं, तो इस टाइप्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सी की वैल्यू लिख लेंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सी की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को ऐड करना है। तो 3 प्लस अब ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर लिखेंगे। अब टी की वैल्यू कितनी है, टी फॉर 20, यहाँ लिखेंगे 20। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब जिस तरह हम कैट का निकाल रहे हैं उसी तरह सेट का भी निकाल लेते हैं। तो S की वैल्यू हो जाएगी 19 प्लस A की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस D की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24। अब जिस तरह हमने इन दोनों का निकाला उसी तरह जो हमसे पूछा है हम उसे निकाल लेते हैं। तो हम C को निकाल लेते हैं। तो देखिए S की वैल्यू कितनी है, 19 है, और H की वैल्यू कितनी है, 8 है, E की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आइए ऐड करते हैं। तो 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 27, और 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 32, तो हमारा आ जाएगा 32। मींस कैट को 24, सैड को 24 लिखा जाए तो सी को 32 लिखा जाएगा, मींस 32 ही हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।